दो उंगली ले लेना। पानी का रिसाव हो रहा है, 3 बजे भोर से हम लोग लगे हुए हैं, ना कोई ऑफिसर है ना कोई आदमी है। तिरपालों वितरण नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ गर्जू सिंह। आपको मालूम है कि बिहार की आधी आबादी, मतलब आधा बिहार, इस वक्त बाढ़ के चपेट में है। सीमांचल का इलाका कोसी के उफान के कारण जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। बात अगर शिवहर की कर ली जाए तो शिवहर के तरियानी छपरा में बागमती नदी पर बने तटबंध के टूटने से एक बड़ा इलाका प्रभावित हुआ है। हालांकि बांध जैसे ही टूटा, जो जिला प्रशासन की टीम थी वो लोगों को सुरक्षित वहां से निकाल ली है, लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर कैंप में जो रखा गया है। बात अगर नेताओं की कर ली जाए तो कई नेता गायब हैं, तो कई ऐसे नेता हैं जो दिन रात वहाँ की जनता की सेवा में, बाढ़ पीड़ितों की मदद में लगे हुए हैं। शिवहर के पूर्व सांसद आनंद मोहन की अगर बात कर ली जाए तो आनंद मोहन दिन रात न सिर्फ बांध टूटने के बाद बल्कि उससे पहले से लोगों के बीच में हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। बांध की मरम्मत को लेकर जो भी मदद की जानी चाहिए अपनी टीम के साथ लगातार आनंद मोहन लगे हुए थे। और देखिए, जैसे ही बांध टूटी आनंद मोहन भी लगातार मोर्चा संभाल हुए थे, चूँकि वहाँ से उनकी पत्नी लवली आनंद JDU की सांसद हैं, आनंद मोहन भी वहाँ से सांसद रहे हैं। ऐसे में वो अपनी टीम के साथ लगातार जिले भर में घूम घूम कर लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि बाढ़ से एक बड़ा इलाका प्रभावित हुआ है। ऐसे में लोगों को खाने पीने की दिक्कत है, न सिर्फ इंसान को बल्कि जानवरों को भी इन समस्याओं का फेस करना पड़ रहा है। और देखिए, आनंद मोहन अपने तरफ से जो भी हो पा रहा है वो मदद कर रहे हैं। हमने देखा तस्वीरों के माध्यम से, आप भी देख पा रहे होंगे कि साबुन, दिया, सलाई, मोमबत्ती, चना, गुड़, सत्तू, बिस्कुट, नमकीन, पानी का बोतल, नमक, तमाम जो खाने की सामग्री है वो लोगों तक आनंद मोहन द्वारा जो है वो पहुंचाया जा रहा है। और न सिर्फ अपने तरफ से बल्कि सरकार की तरफ से जो चीज़ें मिलनी चाहिए, जो फैसिलिटी, जो सहयोग मिलना चाहिए वो भी लोगों को दिलवा रहे हैं। एक नहीं बल्कि कई कैंप हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस वक्त हैं। जिला प्रशासन के मदद से लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, लोग इस वक्त कैंप में हैं, लेकिन कैंप में लोगों को मदद मिल रहा है, सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है। इसको लेकर लगातार आनंद मोहन जो है वो समीक्षा कर रहे हैं और जो चीज़ें नहीं मिल पा रही है उसको लेकर सरकार से बात कर रहे हैं और तुरंत उसे मुहैया करवाया जा रहा है। देखिए, जो जानकारी मेरे पास आई है कि आनंद मोहन, उनकी पत्नी लवली आनंद की मदद से, चूँकि वो वहाँ से सांसद भी हैं, उनके पति आनंद मोहन की बात कर ली जाए तो पूर्व सांसद, एक बड़े नेता है, तो ऐसे में उस क्षेत्र को लेकर जिम्मेवारी और जवाबदेही भी उनकी है। क्षेत्र की जनता डूब रही है तो उनको लेकर अगर सांसद नहीं सोचेगा, वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के नेता नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। आनंद मोहन की पत्नी की मदद से समुदाय किचन की व्यवस्था हर एक कैंप में, प्लास्टिक ताकि जो लोग हैं वो अपने सर ढक सके, इसके अलावा न सिर्फ इंसानों को लेकर बल्कि पशु को लेकर खाने पीने की व्यवस्था जो है वो सरकार की तरफ से जो की जानी चाहिए थी उसे आनंद मोहन की टीम द्वारा, लवली आनंद द्वारा जो है वो करवाया गया है। सूखा राशन लोगों में वितरण करवाया गया, स्वास्थ्य शिविर न सिर्फ इंसानों को लेकर बल्कि पशुओं को लेकर, जानवरों को लेकर भी जो डॉक्टर हैं वो वहाँ पर 24/7 जो है लगे हुए हैं ताकि जानवरों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई बीमारी जो है वो जानवरों को न हो। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार जारी है। चापाकल पानी की व्यवस्था भी वहाँ पर आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद द्वारा वो करवाया गया है, हालाँकि वो वहाँ के सांसद हैं, ऐसे में बिहार में उनकी सरकार भी है, ऐसे में सरकार से बातचीत करके तुरंत जो है वो सब कुछ उपलब्ध कराया गया है। तो कहीं ना कहीं श्रेय जाता है वहाँ के सांसदों को कि भाई तुरंत कार्रवाई हुई, तुरंत जो है वो लोगों को इन तमाम फैसिलिटी जो है वो मुहैया कराई गई है। शौचालय से लेकर बिजली की व्यवस्था भी है, क्योंकि बिजली तो कट चुका है, पोल कई जगह पर गिर चुके हैं, लेकिन जनरेटर के जरिए बिजली बल्ब की व्यवस्था जो है हर एक कैंप के अंदर जो है वो किया गया है। तो आनंद मोहन लगातार मोर्चा संभाले हैं अपने टीम के सदस्यों के साथ, लगातार वो शिवहर के अलग अलग जगहों पर जाकर वो लोगों की मदद कर रहे हैं। खाने पीने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए,
जो सरकार की योजनाएं हैं लोगों तक पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही है। अगर नहीं पहुंच रहा है तो तुरंत सरकार के अधिकारी से, सरकार से बात करके उन तक पहुंचाया जा रहा है। आनंद मोहन चूँकि शिवहर से, उनके बेटे चेतन आनंद विधायक भी हैं, तो ऐसे में आनंद मोहन की पत्नी जो है कि सांसद है लवली आनंद, आनंद मोहन जो पूर्व सांसद है, और चेतन आनंद, तीन जो लोग हैं वो लगातार टीम के साथ मजबूती से लगे हुए हैं ताकि क्षेत्र की जनता जो बाढ़ से प्रभावित हुई है उन्हें अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि भाई सरकार की तरफ से मदद मिल गई, आनंद मोहन का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे का कारण भी यह है कि आमतौर पर जब भी कोई आपदा आता है, आपदा आकर चला जाता है तब सरकार की मदद वहाँ पर पहुँचती है। अगर कोई जनप्रतिनिधि एक्टिव रहेगा तो तुरंत कार्रवाई होगी, तुरंत जो है एक्शन होगा और तुरंत जो है वो लोगों तक मदद पहुँचेगी, और आनंद मोहन भी वही काम कर रहे हैं। जहाँ जो दिख रहा है कि गड़बड़ है तुरंत जिलाधिकारी, संबंधित तमाम अधिकारियों से बात करके उन तक सुविधा जो है वो मुहैया कराया जा रहा है, न सिर्फ इंसानों को लेकर बल्कि जानवरों को लेकर भी विशेष व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन की तरफ से जो है वो लगातार मदद किया जा रहा है, और आनंद मोहन की टीम लवली आनंद लगातार मोर्चा संभाली है बाढ़ में घुसकर, कभी एनडीआरएफ की टीम के साथ तो कभी आम लोगों के साथ पानी में घुसकर लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं कि भाई कहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ क्या नहीं पहुँच रहा है, वो चीज़ वहाँ पर पहुँचनी चाहिए। बहरहाल इस पर इतना ही, आपकी क्या राय है आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।